सृष्टि तू ये का करे जा रहल बाड़ो? हम विशु जी से वादा कर ले रहनी कि हम दिन में एक बार उनका से जरूर बात करब। तोरा के का लगेला तू ऐसन करके विशु के साथ जस्टिस कर रहल बाड़ो? सृष्टि तोहर बात करे से विशु के होप मिलेगा कि आज ना तक कल तू ओकरा पास वापस जाइबो। अगर हम उनका से बात ना करें तो उनका के खराब लगी? उनके जितना खराब लगे के वह अभी लगेगा, वरना तू जब ओकरा के छोड़बू तू जी ना पाई। सृष्टि हम जाना ताड़ी कि तू ओकर भला चाहता रू, लेकिन तू खुद से सवाल करके देखा कि तू का ओकर भला कर रहल बाड़ू। आज तू ओकर फोन कट करके ओकर ताकत बनबो या पिक करके ओकर कमजोरी, अभी तोहरा के तय करे के बा कि का करे के बा। तू सही कहत बाड़ा शेखर, हमार उनका से दूर रहे में ही उनकर भलाई बा। का पंडित जी इतना देरी है? अरे जल्दी आई महाराज, ना तो आपके हमारे दोनों के जान खतरा में आ जाए। हैं? का दीदी जी अभी चित हो जाए। हम जे कह रहल बानी ओकरा समझे के कोशिश करा। उ पंडित बाना ओकरा जाके समझावा कि उ बाबूजी से यहाँ आके ई कहे कि आज के जौन सत्यनारायण के पूजा बा ओमे दामाद और बहू के बैठल अनिवार्य नहीं खे। जी, पूरा बात तो सुना हमार। और ओकरा के ई भी कहा कि वो बाबूजी के आके ई कहे कि जे विदाई के समय बाबू 3 महीना तक नहीं खे, समझला 3 महीना, और जे विदाई अगर हो खी ना तो बहुत अनिष्ट हो जाए, विदाई ना हो सकेला। जी दीदी ठीक। लेकिन ई काहे करवा रहल बानी आप हमरा से? अरे बकर बकर मत करा, बस ई समझला कि आज के दिन ऊपर हमार मरल और जियल तय करी। मरल और जियल? हाँ। तब तो बोझी के काम हो गए। ठीक बा, हम चला तनी। आज तो के हमरा साथे जाए से कौनो पंडित ना रोक पाई, और जहां तक भगवान के बात बा वो तो हमके तरह साथे भेजे ही चाहता है। अगर पंडित बाबूजी के सामने वो सब कह देलस जो नागरी ओकरा से कलावा ही चाहता है, तब बाबूजी के कन्विंस कैल बहुत मुश्किल हो जाए। हाँ दिव्या बोला। का भैया, आप भाभी के चक्कर में बहन के भूल गए नी का? कल रक्षाबंधन बा और आपके अभी तक एगो कॉल भी ना आयल। रक्षाबंधन कल बा? I'm really sorry यार, हम काम के चक्कर में ना हमरा दिमाग से निकल गए। I'm really very sorry। वो सब ठीक बा, कल आप भाभी के लेके टाइम से आ जाइए, सुबह सुबह राखी बांधे के बाद आपके। हाँ हाँ, कल का है तहार, भाभी आज शाम के ही घर आ जाइए, हम लेके आ जाए, तू टेंशन मतलब। वैसे बहुत दिन हो गए ससुराल में रात, आप जल्दी आ जाइए, हम इंतजार कर रहे बानी। अरे दामाद बाबू जरा इधर आई। जी बाबू जी, आवता नहीं। अरे दामाद बाबू आप यहाँ भाड़े आई, आपके उपहार आ गए बा। देखी कहाँ गए जी, दिखावा दामाद बाबू के। ये लोग बाड़े हमार गन डीलर हरिओम जी के आदमी। अच्छा, तू लोग के बाड़े बे? ओम जी तो हमेशा से रघु के भेजत रहले ही बंदूक बंदूक दिखावे खातिर। हाँ वो कहा बा ना, रघु की तबीयत खराब बा, एक खातिर वो हमनी के भेजले बाड़ा। हाँ ठाकुर साहब, आप चाहे तो पूछ सके नी। चला कोनो बात ना बा, आता हमेशा ही बंदूक खरीदत रहनी, लेकिन ई बार हम अपने दामाद जी के उपहार देवे चाहत बानी। दिखावा का लाइल बाड़ा। पिछले हफ्ता आयल बा नया मॉडल बा, एकदम एकर 500 मीटर के रेंज बा, देखी उठाई कितना हल्का बा। गन तो लोडेड बा, बस एक बार चला दे तो विकराल सिंह के गेम खत्म। चल जो
अरे दामाद बाबू जौन पसंद आवे वो देखी ना। निशाना लगावल तब आपके बहुत बढ़िया से आ ही गए बा दामाद बाबू। ठाकुर साहब ओ भाई साहब हलो आप ससुर जी पे कहे गन तनले बानी अरे अरे ना सरकार ये तो बस गन के भार माप रहल बा देखी कितना हल्का बा अरे छोड़ा भैया असली पीस तो ये बा हमार फेवरेट अरे इतना मक्खन बना जी जी मारन तो सात कोस दूर के बंदा बिना छटांग से गिर जाए एकदम मस्त बा बंदूक संभाले खातिर ताकत के ना दिमाग के जरूरत होखेला और भोले बाबा तो ओकरा से वंचित ही रखले बाड़े ना है ना आप देखी दामाद बाबू जे भी आपके पसंद आवेला हम आवत बानी जी बाबू जी ओ भाई कहाँ कहर जाता नहीं यहाँ हाँ जा जा बाथरूम आगे जाके लिफ्ट चल जाए मंत्री बार बटना वाला प्रोजेक्ट हमके ही चाहिए हम बात कर लिहले बानी इशारा में तोहरा के भी समझा रहल बानी यह बात तू भी आगे ओकरा के समझावा हेलो भाई साहब कहाँ देखा था नहीं गन हमके ले वेके बना तो हमके हेल्प करा कहाँ हर बार कहाँ देखा था रहा हाँ ना सरकार देखिए आपके गन देखा देता नहीं देखिए अरे सरकार आप भी ना देखिए ये लेटेस्ट माल बा वो तो पुरान वाला बा एकर निशाना देखिए एकदम अचूक बा और नया रंग रूट खातिर ना बिल्कुल बहुत बढ़िया